हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रितिका। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। आई डू अ मेकअप लाइक अ हिना खान, जो उनकी थोड़ी सी पुरानी पोस्ट है उस तरीके से। और मेरे पास जैकेट नहीं थी, इस वजह से मैंने ये पहना हुआ है। एंड आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। एंड या सो या गाइस, यहाँ पे मैंने अपना वाइट टॉप पहन लिया है और मैंने सिर्फ 8 प्रोडक्ट्स लिए हैं। कॉम्पैक्ट मस्कारा, ब्लश, लिपस्टिक एंड एक्सेट्रा। एंड सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने चेहरे पे प्राइमर, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं अच्छे से, आप अपने पूरे फेस पे, गर्दन पे और अपने ईयर्स पे भी अच्छे से बिल्कुल उसे लगा लें प्राइमर को। देन आपको यूज़ करना है कोई भी कंसीलर जो आपको सूट करता हो। यहाँ कोई स्पेसिफिक ब्रांड की बात मैं नहीं कर रही हूँ। सो आपको कंसीलर लगा लेना है अपने फेस पे अच्छे से। देन उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है ताकि आपका जो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक अच्छा लुक देने लगे। देन आपको लगाना है कॉम्पैक्ट। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है गाइस, विदाउट फाउंडेशन मैंने ये लुक किया है। तो ये बहुत बेसिक सा लुक है, तो आपको इसमें ज़्यादा कवरेज की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया है। देन फिर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर मस्कारा है जो HNH का है। कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करे। और उन्होंने, देखिएगा आप पिक में मस्कारा लगाया हुआ है, अगर आप उनका इंस्टा देखते हैं तो आपको अच्छे से मस्कारा लगाना है अपने लिड्स पे। और आपकी जो आईज़ है वो पॉपअप होके आनी चाहिए मस्कारा से, बिकॉज अच्छे से बिल्कुल लैशेस एक अलग अलग दिखनी चाहिए। आपको फॉल्स लैशेस नहीं लगानी है इस लुक पर। सो आपने ये लगा लेना है आराम से नीचे वाली लैश। गाइज़, फिर मैंने अपने ब्राउज फिल करने के लिए भी इसी को यूज़ किया है, और थोड़ा जो मैं बेसिक करती हूँ वो। सो मैंने अपने ब्राउज भी इसी से हल्की फिल कर ली है, मैंने ज़्यादा पॉपअप नहीं करी है अपनी ब्राउज को। देन आपको लेना है ब्लश अपने ब्यूटी ब्लेंडर में, आप चाहो तो अपने ब्रश में भी ले सकते हो। एंड आपको अपने चिक्स पे लगा लेना, बहुत ही लाइट ब्लश लगाना है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट, बिकॉज ये बहुत लाइट है। देन आपको कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज उनके जॉ लाइन है, और अच्छे से कॉन्टोरिंग यूज़ करिएगा ताकि आपकी जो फिनिशिंग अच्छे से दिखे चेहरे की। और उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिएगा ताकि जो आपकी जॉ लाइन है वो अच्छे से दिखने लगे, आई डू, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे। नोज़ पे भी आप थोड़ा सा कॉन्टोर कर सकते हो अपनी नोज़ को शार्प दिखाने के लिए। गाइज़, आई एम अ बिगनर, सो प्लीज़ डोंट जज मी। देन आप, मैंने कॉम्पैक्ट से फिर से पाउडर लिया है और अपने कॉन्टोरिंग वाली जगह पे अच्छे से लगा रही हूँ ताकि वो जो कॉन्टोरिंग है वो पॉपअप होके अच्छे से दिखे। फिर मैंने मार्क्स का हाइलाइटर यूज़ किया है अपने ब्राउज़ के पास, अपने चिक्स पे, अपने नोज़ पे और अपने अपर लिप्स पे और अपने चिन पे, ताकि वो जगह मेरी हाईलाइट होके दिखाई दे। आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। देन आपको एक चेरी टाइप की पिंकिश ब्राउनिश वाली लिपस्टिक लेनी है, देन आपको वो यूज़ करना है। दैट्स इट। फिर आपने बना लेनी है अपनी हेयर स्टाइल। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर, कमेंट। एंड आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस किस इंसान की मेकअप वाली वीडियोज़ बनाऊँ। एंड या तो मैं जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ उसमें बहुत कम चीज़ें लगती हैं, बहुत बेसिक सा मेकअप होता है, मैं बेसिक सा ही मेकअप लेती हूँ बिकॉज आई एम अ बिगनर, दैट्स वाई। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एंड टैग मी ऑन दिस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल। सो या एंड इफ यू इंजॉय देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको दिखेगी जरूर। थैंक यू सो मच।